हमीरपुर के नदौन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र में आज उस समय दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशी आमने सामने हो गए। जब एक निरीक्षण करने आया था तो दूसरा अपने मताधिकार का प्रयोग करने आया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं नदौन विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर मतदान करने पहुंचे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व नदौन से कांग्रेस के प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुखू और नदौन से भाजपा के प्रत्याशी जो वहां निरीक्षण करने पहुंचे थे विजय अग्निहोत्री। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और शुभकामनाएं दी। ये मतदान केंद्र कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुखू का अपना मतदान केंद्र है। सौहार्दपूर्ण माहौल में जहां दोनों ने हाथ मिलाया, इस मौके पर मतदान केंद्र में काफी संख्या में लोग वोट डालने के लिए लाइन में खड़े होकर ये सारा नजारा देख रहे थे। आपसी बातचीत के दौरान दोनों ही नेताओं ने हंसी के ठहाके भी लगाए। हमीरपुर में मतदान शुरू हो चुका है। इस टाइम हम पहुंचे हैं नदौन के राजकीय प्राथमिक पाठशाला भावड़ा में, जो कि बूथ नंबर 4 है नदौन से। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नदौन के वर्तमान विधायक और भाजपा के प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री। बात करते हैं उनसे। विजय जी, कैसा रहा प्रचार और अभी मतदान शुरू है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन से? प्रचार बहुत अच्छा, शांत और लोगों में भारी उत्साह है और लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, इस करके बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। कहीं ना कहीं अभी सुबह का ये वक्त है, अभी 8 बजे हैं और पहले लाइनें लगना स्टार्ट हो चुकी हैं, लोगों में उत्साह है। क्या समझते हैं कितना इस बार मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है? अच्छा मतदान इस बार होगा, हमने तो अपील की है, बल्कि हमने खुद घर घर जाकर ये कहा कि 100% मतदान हो। अच्छा मतदान होगा और अच्छा ज़्यादा मतदान होगा तो ज़्यादा लोगों की सहभागिता होगी और लोकतंत्र और मजबूत होगा। और लोकतंत्र भारत का बहुत मैच्योर हो रहा है और परिपक्व हो रहा है, इस करके जनता बहुत अच्छी एक जज की भूमिका में आज पहुंच गई है। क्या एक्सेप्टेशन करते हैं, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति? मुझे लोगों पर विश्वास है, मैंने 5 वर्ष तक लोगों की सेवा की है और लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, इस करके मुझे बिल्कुल अवश्य जिताएंगे। तो ये थे हमारे साथ विजय अग्निहोत्री जी। क्योंकि लोगों में इस समय 8 ही बजे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगना स्टार्ट हो गई हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है अपने मत अधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। इस समय हम नदौन के मतदान केंद्र नंबर 4 पे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण मतदान केंद्र है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखू ने अपना मतदान किया है, वो अभी अभी बाहर आए हैं, बात करते हैं उनसे। सुखू जी, आज मतदान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कितनी जीत के प्रति आश्वस्त है? देखिए, जीत तो भविष्य के गर्भ में छिपी है, लेकिन निश्चित तौर पर जो लक्ष्य हमने सोचा है कांग्रेस पार्टी उसकी ओर बढ़ रही है और हम सरकार द्वारा से बनाएंगे। सुखू जी, देखने वाली बात है कि इस बार आज सुबह ही आपका मतदान केंद्र है, काफी ज्यादा लोगों में उत्साह देखने को मिला, भीड़ काफी ज्यादा है, कितना सोचते हैं कि क्या इस बार 100% की ओर जो एक एजेंडा है सरकार की तरफ से कि वो होगा, क्या लगता है कि हो जाएगा? हमारा तो प्रयास है, हमने तो अपने मतदाता को जागरूक किया है और कोशिश की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कोशिश की है, सरकार ने भी कोशिश की है, चुनाव आयोग ने भी कोशिश की है और मतदान का प्रतिशत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों के विचार इस मत के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। मेरा मानना है कि अच्छा प्रतिशत मतदान केंद्र में होगा। सुखू जी, एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली, पहली बार हिमाचल में हो रहा है कि पिछले रात भी पत्रकारों पे भी हमला हुआ है, आपके एक जो कांग्रेस के थे कुलदीप सिंह पठियाणा जी, उन पे हमला हुआ है। लगता नहीं है कि कुछ हिमाचल में भी अब अहिंसक घटनाएं, जो हिंसा वाली घटनाएं वो बढ़ रही हैं, जो एक अच्छे स्वस्थ इसके लिए ठीक नहीं है? देखिए, हिंसा का कोई स्थान इस लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जो कांग्रेस के नेताओं पर हमला कर रहे हैं और ये सोचकर कि हमें इस हमले का फायदा होगा, राजनीतिक रूप से कोई लाभ नहीं होता। जनता जब जानती है, दिल से खड़ी होती है, तो उस उन्माद को कोई नहीं रोक पाता। कहीं ना कहीं मतदान चला हुआ है, भाजपा के द्वारा आप पूरे इस लाइन में एक एजेंडा रखा गया कि कांग्रेस मैदान छोड़ के जा चुकी है, कोई बड़ा नेता जो है वो प्रचार के लिए नहीं आया, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रचार ही करती है,
कभी वो सीटों की बात करती है 60, 50, 40, 30, फिर वो नेता बदल देती है अंतिम समय में। तो प्रचार की रणनीति से ज़्यादा समय तक लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। काम करना पड़ता है, लोगों के बीच रहना पड़ता है, गरीब की आवाज़ सुननी पड़ती है, और आवाज़ जो गरीब की आवाज़ सुनता है इस लोकतंत्र में, वही मतदाता को जागरूक करता है और मतदाता उसको जागरूक करता है जो उसका नेता होता है। कितना टारगेट लेके कांग्रेस चल रही है मिशन रिपीट के लिए, कितना? देखिए, किसी चीज़ की भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते, भविष्यवक्ता तो है नहीं, लेकिन सरकार हमारी बनेगी और सरकार निश्चित तौर पर, हमने लोगों की सेवा की है, आने वाले 5 वर्षों में और लोगों की सेवा का हमने वादा किया है, इसलिए लोगों की उम्मीदें आशाएं कांग्रेस पार्टी से। तो ये थे हमारे साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस रिपीट करेगी और ये भविष्य के घर में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी और विकास के दम पे कांग्रेस इस बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। वोट डाला है, संवैधानिक अधिकार है और हर व्यक्ति को जो बालिग है उसे वोट डालना चाहिए। जहाँ तक किसको वोट डालना है ये तो अपना अपनी सोच है सभी की, लेकिन अगर सब वोट डालेंगे तो तभी देश का कल्याण होगा और अच्छी गवर्नमेंटें जो हैं वो सामने आएंगी। मैं अपने 1.5 महीने का बच्चे को छोड़कर वोट डालने आई हूँ। अब सबको अधिकार है कि वोट डालें, और अपने अधिकार है, उनको अधिकार है कि अपना नेता खुद चुने।